पिछले क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन किया था और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करके उसके ईच एंड एवरी केसेस को भी हम लोग लेकर के देखे थे। यहां पे आज हम बताएंगे गॉस का जो स्टेटमेंट था, वो गॉस का स्टेटमेंट कहता है कि किसी भी क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, किसी भी क्लोज्ड गॉसियन सरफेस से टोटल जो फ्लक्स निकलेगा वो बराबर होगा 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। इसको हम लिखते हैं फिर इसको डिफाइन कर देते हैं। इट स्टेट्स दैट द टोटल फ्लक्स लिंक्ड थ्रू ए क्लोज्ड गॉसियन सरफेस equals बोल दीजिए क्लास में equals to 1/ε0 times charge enclosed within the Gaussian surface। मैथमेटिकली ये टोटल फ्लक्स की बात हो गई। ई डॉट डी एस ये जो है फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया डेल्टा एस, और इसको इस इंटीग्रेशन साइन के ऊपर ऐसा हमने एक सिंबल डाला, ये रिप्रेजेंट करेगा क्लोज्ड गॉसियन सरफेस को, इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब कोई भी क्लोज्ड गॉसियन सरफेस के थ्रू जो टोटल फ्लक्स होगा वो 1/ε0 टाइम्स चार्ज विद इन द क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, यही इसका मेन फॉर्मूला है। ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड, इनक्लोज्ड का मतलब उस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज होगा, डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे और जब एप्लीकेशन देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर कट हो जाएगा। इसका एप्लीकेशन यही है कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में। एप्लीकेशंस इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड पहले भी निकाल चुके हैं यूजिंग कूलम्स लॉ, और वहां पे जो वैल्यू आया था आपको याद होगा कि E बराबर आया था, E का वैल्यू 1/4πε0Q/r2। इसका यूज करके भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मुझे इतना ही मिलेगा, हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हम मान लिए कि एक पॉइंट चार्ज Q है जो O पॉइंट पे रखा हुआ है, यहां से R डिस्टेंस की दूरी पे एक P पॉइंट है, इसी P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है यूजिंग गॉस लॉ, यूजिंग गॉस लॉ। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले कि यहां जिस पॉइंट पे मुझे फील्ड कैलकुलेट करना है वहां से पास करता हुआ एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। गॉसियन सरफेस जो होता है वो इमेजिनरी होता है, तो ये हमारा एक गॉसियन सरफेस, और ये हमारा जो गॉसियन सरफेस है ये जो बनेगा एक अस्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनेगा। क्यों भाई? क्योंकि इस चार्ज को मुझे क्लोज करना है, जब चार्ज को क्लोज करना है तो यहाँ से पास करता हुआ जो हम एक सरफेस ड्रॉ करेंगे एक अस्फेरिकल गॉसियन सरफेस होगा, क्योंकि इसको बंद करना था, तो बंद करने के लिए चारों तरफ से बंद करेंगे, तो इसके लिए एक सिमेट्रिक जो सरफेस होगा जो यहाँ से आर डिस्टेंस दूर होगा वो एक स्फेयर ही बनेगा, दूसरा कोई पॉसिबल नहीं। तो यहाँ जो हमारा ये एक सिमेट्रिक जो सरफेस खींचे हैं इससे हो करके हम टोटल फ्लक्स निकाल लें, और जब टोटल फ्लक्स इसे निकाल लेंगे वो बराबर होगा इस क्लोज गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। कंसीडर ए पॉइंट चार्ज क्यू इज केप्ट एट पॉइंट ओ, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ओ, ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस passing through point P using Gauss law का यूज करेंगे तो क्या लिखाएगा, E dot ds टोटल फ्लक्स, इसका मतलब टोटल फ्लक्स E डॉट डी एस इक्वल क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हम मुझे ये इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा,
तो आपको मालूम है कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और जो यहाँ एरिया वेक्टर लेंगे एरिया वेक्टर, वो एरिया वेक्टर भी रेडियली आउटवर्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ, स्मॉल एरिया भी बाहर की तरफ, दोनों के बीच का एंगल होगा 0 डिग्री। इसको आप लिख सकते बहुत ही सिंपल तरीके से, ई डी एस कॉस थीटा इक्वल क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ई डी एस कॉस 0 डिग्री बिकॉज एंगल बिटवीन ई एंड डी एस, हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, स्मॉल एरिया वेक्टर ऑल्सो रेडियली आउटवर्ड, सो एंगल बिटवीन ई एंड डेल्टा एस इज इक्वल टू 0 डिग्री। और इस क्लोज्ड गॉसियन सरफेस के अंदर अगर चार्ज देखिए तो कितना है भाई, कैपिटल क्यू बाय कितना, एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालना है कॉस 0 का वैल्यू 1, ये डी एस इक्वल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये डी एस मीन्स एरिया को आप इंटीग्रेट करोगे, तो एरिया को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, चूंकि एक स्फेयर है इसलिए स्फेयर का सरफेस एरिया मिलेगा, और स्फेयर का सरफेस एरिया आप जानते हैं 4πr² ये स्फेयर का सरफेस एरिया, मतलब इस एलिमेंट्री पार्ट जो छोटा छोटा पार्ट होगा सबको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा स्फेयर का टोटल एरिया इक्वल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और तब देखो कि ई का वैल्यू मुझे मिल चुका 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर। तो आप कूलम्स लॉ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किए थे, वहाँ भी यही एक्सप्रेशन था, और गॉस लॉ से जब किया तो वही एक्सप्रेशन आया। तो एग्ज़ाम में आपको क्लियर करेगा कि कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट यूजिंग गॉस थ्योरम। जब गॉस थ्योरम कहेगा तो यही गॉस लॉ का यूज करेंगे, यही लॉ है मेन, ई डॉट डी एस इक्वल क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। यही मैथमेटिकल फॉर्म का यूज करके अलग अलग सिचुएशन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। हम अगला जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन है ड्यू टू लाइन चार्ज, ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। हम इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किए थे, आपको याद होगा, और ई का वैल्यू हमने बताया था इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से ई का वैल्यू कैलकुलेट किया था, वो इतना आया था, ई का वैल्यू 1/λ/2πε0d। लास्ट एक्सप्रेशन यही आया था इनफाइनाइट चार्ज रॉड की वजह से, वही इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, λ/2πε0d। हम इसको कूलम्स लॉ से निकाले थे, हम इससे भी यूज करेंगे गॉस लॉ का, तो हमारा यही एक्सप्रेशन आएगा। हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं, ये हमारा एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है,
जिसपे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, यही हमारा एक वायर है जो कि इनफाइनाइट लेंथ का है। हम चाहते हैं कि इस वायर से डी डिस्टेंस की दूरी पे पी एक पॉइंट है। इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करें यूजिंग गॉस थ्योरम। कंसीडर एन इनफाइनाइट चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग रॉड हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट पी विच इज एट ए डिस्टेंस आर From O as shown in figure, ए ओ पॉइंट नाम दे दिया इसको, यही फिगर हमारा है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहां से पास करता हुआ एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं तो इस लाइन चार्ज को अपने अंदर वो रखे, इसके लिए यहां जो सरफेस बनेगा वो एक सिलेंडर टाइप का सरफेस बनेगा, वो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस होगा। हम मान लेते हैं कि यही हमारा एक गॉसियन सरफेस है जो पी पॉइंट से पास कर रहा है, जो कि सिलिंड्रिकल शेप का होगा। सिलिंड्रिकल शेप का एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। हम मान लेते हैं कि इसका लेंथ हमारा स्मॉल एल है। अब देखो ये जो क्लोज गॉसियन सरफेस बना, तो इस गॉसियन सरफेस में आप अगर देखोगे तो सरफेस जो इस चार्ज को कवर्ड किए हुए है वो आप अगर देखोगे इसको तो ये जो है वो तीन सरफेस होगा। जैसे मान लो कि इसको मैं एक सिलेंडर बना दूं, तो ये हमारा एक सिलेंडर बन गया, और जब ये सिलेंडर बन चुका तो आप देख सकते हैं कि यही सिलेंडर इसको बंद किए हुए है। तो आप सोचिए कि एक सरफेस एक कर्व सरफेस, दूसरा है प्लेन सरफेस, और तीसरा है प्लेन सरफेस। मींस ये जो चार्ज है इसके अंदर ये तीन सरफेस से घिरा हुआ है, एक कर्व, एक नीचे प्लेन, एक ऊपर प्लेन। इसको हम नंबरिंग दे दें अपनी सुविधा अनुसार, तो इसको हम वन बोल सकते, इसको टू बोल सकते, इसको थ्री बोल सकते। अब हम लोग क्या करेंगे, गॉस थ्योरम का यूज कर लेंगे। यूजिंग गॉस थ्योरम, यूजिंग गॉस लॉ, यूजिंग गॉस लॉ,
क्या कहता है भाई, E डॉट ds, बस जो सिंपल फॉर्मूला है उसी को लगाएंगे, E डॉट ds इक्वल Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्लोज सरफेस जो तीन को बना है तो हम लोग अलग अलग निकालेंगे तीनों सरफेस से, तो लिखेंगे E ds पहला सरफेस से, E ds पहला सरफेस से प्लस E ds दूसरा सरफेस से प्लस E ds तीसरा सरफेस से इक्वल Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये पहला सरफेस जो प्लेन है, दूसरा सरफेस जो कर्व है और तीसरा सरफेस भी प्लेन है, तो ये जो प्लेन सरफेस है उसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन या तो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, लेकिन इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो बाहर की तरफ, इधर 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 अंदर की तरफ, मतलब वो लाइन के परपेंडिकुलर इस तरीके से, इस तरीके से। तो देखा जाए तो इसका एरिया वेक्टर और इसकी वजह से जो फील्ड होगा वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो मीन्स इसका एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच 90 डिग्री का एंगल, तो 90 डिग्री का एंगल, तो अगर हम लोग लिखेंगे इसको तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा, मीन्स इससे हमारा फ्लक्स होगा ही नहीं, तो पहला सरफेस से हमारा फ्लक्स नहीं होगा। क्यों भाई, तो फर्स्ट सरफेस से फ्लक्स का वैल्यू जीरो, इसके पीछे वजह तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन 90 डिग्री है, तो इसको लिख सकते हैं E का मैग्नीट्यूड ds का मैग्नीट्यूड cos 90 पहला के लिए प्लस दूसरा, अब दूसरा हमारा तो ये है कर्व सरफेस, तो कर्व सरफेस जो होगा वो रेडियली आउटवर्ड, तो कर्व सरफेस रेडियली आउटवर्ड और ये इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड, दोनों के बीच कितना डिग्री का एंगल, जीरो डिग्री का एंगल। तो सेकंड वाले के लिए लिखेंगे E ds cos 0 प्लस, फिर थर्ड के लिए देखिए, थर्ड के लिए एरिया वेक्टर, तो थर्ड के लिए एरिया वेक्टर या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, और फील्ड हमारा इस तरीके से, तो दोनों के बीच कितना डिग्री का, 90 डिग्री का, तो यहाँ फिर लिख सकते हैं E ds cos 90। ये किसके लिए, थर्ड, बराबर कितना, इसके अंदर कितना चार्ज है, तो इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, मतलब यूनिट लेंथ में लैम्डा चार्ज है, तो एल लेंथ में कितना होगा, तो यूनिट लेंथ में लैम्डा, तो एल लेंथ में जो चार्ज होगा लैम्डा इंटू एल, यही जो होगा वो इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज रहेगा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसका वैल्यू जीरो, इसका वैल्यू जीरो, लेकिन ये रहेगा, तो इसको लिखेंगे E जीरो प्लस E ds प्लस जीरो इक्वल लैम्डा इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट। अब अगर देखिएगा तो E बाहर निकलेगा, ये ds इक्वल लैम्डा इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो सेकेंड सरफेस है इसका सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, और सिलेंडर का कर्व सरफेस सरफेस एरिया होता है, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया 2π रेडियस, और रेडियस की जगह d का यूज करेंगे, 2π d इंटू एल इक्वल लैमडा इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा सिलेंडर का टोटल सरफेस, कर्व सरफेस एरिया होता है, एल से एल कैंसिल आउट, और तब E का वैल्यू लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट डी, जो प्रीवियस हमने कैलकुलेट किया था किसका भाई, वो यूजिंग कूलम्स लॉ, यही आया था, गॉस लॉ से यही आया,
ये ज़्यादा आसान है गॉस लॉ से, इसलिए क्वेश्चन में पूछ एकदम क्लियर करता है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कीजिए यूजिंग कूलम्स लॉ, तब तो हम उसको करेंगे, और कहेगा गॉस लॉ तो फिर इसको करेंगे। गॉस लॉ आसान है विथ रिस्पेक्ट टू कूलम्स लॉ। हम लोग आगे निकालेंगे, अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड ही कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू इनफाइनाइट सिट, इनफाइनाइट सिट। इनफाइनाइट सिट की वजह से हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, जब गॉस थ्योरम, सॉरी जब गॉस थ्योरम नहीं पढ़ाए थे, हम लोग पढ़ रहे थे कूलम्स लॉ, और कूलम्स लॉ से भी हमने इनफाइनाइट सिट का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट किया था, और जो कैलकुलेट किया था तो आया था, आपको याद होना चाहिए कि ई का वैल्यू आया था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यही हमारा वैल्यू आया था। ई का वैल्यू कितना आया था? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। हम गॉस लॉ के भी यूज करेंगे तो हमारा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। देखिए इसको हम कैलकुलेट करते हैं, बड़ा सिंपल तरीका है इसका। मान लीजिए कि एक हमारा इनफाइनाइट सीट है, ये हमारा एक इनफाइनाइट सीट है, इनफाइनाइट सीट है। अब इस इनफाइनाइट को यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कर दिया गया है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। हमको इसके बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है यूजिंग गॉस लॉ, है ना। कंसीडर एन इनफाइनाइट सिट हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट नियर द इनफाइनाइट सिट। अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, बड़ा सिंपल काम करेंगे, गॉस थ्योरम का यूज करेंगे, और गॉस थ्योरम का यूज करेंगे तो ये इनफाइनाइट सीट है, हम लोग एक छोटा सा पार्ट यूज करेंगे, और छोटा सा पार्ट यूज करेंगे फिर उसको मुझे गॉसियन सरफेस से कवर करना होगा। जो गॉसियन सरफेस होगा, मान लो कि हमने इस पार्ट को कंसिडर किया, और जो कंसिडर किया इसका एरिया हम डेल्टा एस मान लें, ये डेल्टा एस एरिया है। अब क्या होगा भाई, इसको कवर्ड करना है, तो कवर्ड करने के लिए आप देख सकते हैं हमें एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर करना होगा जो इस तरीके से होगा। ये हमारा एक्चुअली थ्री डायमेंशनल फिगर है, ये भी हमारा डेल्टा एस, ये भी हमारा डेल्टा एस होगा,
और तब इसको आप देख सकते हैं कि इस सरफेस एरिया को एक गॉसियन जो सरफेस है वो इनक्लोज किया है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लो कि यही एक इनफाइनाइट सीट है। अभी इस इनफाइनाइट सीट को यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया गया पूरा। जब यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया गया तो नियर पॉइंट यहाँ कहीं है, जब यहाँ कहीं है तो आप सोच सकते हैं कि इस पार्ट को अगर मुझे कवर्ड करना हो, इस पार्ट को मान लिया, तो इस पार्ट को कवर्ड करने के लिए आप अगर इसको देखें तो इस चीज़ को देखें तो ये सिलेंड्रिकल टाइप का चीज़ है। ये इधर से एक सिलेंडर लगा दिया जाए ऐसे, और एक ऐसा ही सिलेंडर उधर से लगा दिया जाए, तो ये जो है वो इस तरह का एक सिलेंडर इधर, कहने का मतलब ये सिलेंडर घुसा हुआ है इसके अंदर, तो ये सिलेंड्रिकल पार्ट जो है, यही सिलेंडर इधर दिखाई पड़ रहा है उतना ही इधर दिखाई पड़ेगा। और तो हम कह सकते हैं कि ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है इस एरिया को कवर किया, ये हमारा गॉसियन सरफेस होगा। चूँकि ये थ्री डायमेंशनल फिगर है, इसको हम इसी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बाकी कोई तरीका है नहीं। हम लोग क्या करेंगे कि फिर आप देखिए कि इस चार्ज को जो कंसिडर्ड पार्ट है इसको कवर किया है एक सरफेस एरिया ऐसा, दूसरा सरफेस एरिया ऐसा, और तीसरा सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया प्लेन होगा, ये जो सरफेस एरिया होगा वो कर्व होगा, और थर्ड जो होगा वह भी प्लेन होगा। तो हम लोग टोटल फ्लक्स निकाल दें इस क्लोज्ड गॉसियन सरफेस से और उसको इक्वेट कर दें किससे भाई, तो इस क्लोज गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट यूजिंग गॉस थ्योरम। क्या है गॉस थ्योरम? ई डॉट डी एस इक्वल क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे देखना है कि मुझे तीन सरफेस ई डॉट डी एस, पहला सरफेस ई डॉट डी एस, सेकेंड सरफेस प्लस ई डॉट डी एस, थर्ड सरफेस इक्वल क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। हम लोग देखें इसमें अगर मैथमेटिकली, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच हमको डायरेक्शन देखना पड़ेगा। तो पहला से देखो तो पहला का जो हमारा होगा इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा, दोनों के बीच थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा। इसके साथ भी वही केस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसका एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में, एंगल 0 डिग्री का। लेकिन ये जो कर्व सरफेस एरिया है, इस कर्व से सरफेस एरिया का डायरेक्शन जो होगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, वो इस तरीके से ऐसे। तो जब एरिया वेक्टर हमारा ऐसा और फील्ड जो है वो या तो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, तो एंगल कितना का भाई, 90 डिग्री का। तो सेकंड जो सरफेस एरिया है वो सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल कितना, 90 डिग्री का। इससे फ्लक्स नहीं होगा, इस कर्व सरफेस एरिया से फ्लक्स नहीं होगा, फ्लक्स सिर्फ फर्स्ट से होगा और थर्ड से होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया के बीच जो एंगल है वो 0 डिग्री का है। तो इसको लिख सकते हैं आप इसके बदले ई डी एस कॉस 0 प्लस ई डी एस कॉस सेकेंड के लिए 90 डिग्री प्लस ई डी एस थर्ड के लिए ई डी एस कॉस 0 डिग्री इक्वल क्यू इनक्लोज्ड। इसके अंदर कितना चार्ज है, तो इस क्लोज गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज, तो
तो यूनिट एरिया में सिग्मा चार्ज, तो डेल्टा एस एरिया में कितना भाई, तो सिग्मा इंटू डेल्टा एस, सिग्मा मल्टीप्लाई डेल्टा एस, ये टोटल चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आप इसको करोगे तो कॉस 0 1 होगा, ये वैल्यू जीरो होगा और ये वैल्यू कॉस 0 1, तो यहाँ पे लिख सकते ई डी एस प्लस 0 प्लस ई डी एस थर्ड, ये 1। इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो एरिया मुझे मिलेगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो मुझे एरिया मिलेगा, तो ई डेल्टा एस सॉरी सिग्मा डेल्टा एस बाई एप्सिलॉन नॉट, ई डेल्टा एस प्लस ई डेल्टा एस इक्वल सिग्मा डेल्टा एस बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखो इसको आगे, 2e डेल्टा एस इक्वल सिग्मा इंटू डेल्टा एस बाई एप्सिलॉन नॉट, ये डेल्टा एस कैंसिल आउट, ये ई इक्वल आ गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। ये हम पिछले कूलम्स लॉ से भी इसको ऑब्टेंड किए थे और इससे भी किए, कूलम्स लॉ से बहुत लंबा आया था और इससे मात्र 1 2 3 4 लाइन हो गए। मतलब ये सबसे आसान तरीका है गॉस लॉ विथ रिस्पेक्ट टू कूलम्स लॉ। एक्चुअली इसका एक ही डिमेरिट है कि ये गॉस लॉ जो है वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। एज फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, इसे एप्लीकेबल कहाँ पे नहीं है, हम इसको मिटाते हैं, हम इस बात को शो कर दें कि कहाँ एप्लीकेबल नहीं है। आप डाइपोल की वजह से फील्ड कैलकुलेट किए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डाइपोल की वजह से कूलम्स लॉ जब हमने पढ़ाया और कैलकुलेट किया तो डाइपोल था माइनस क्यू प्लस क्यू। अब इसके बीच 12 का डिस्टेंस, इसकी वजह से यहाँ पे जो ई का वैल्यू था, ई का वैल्यू 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट पी बटा आर क्यूब अंडर रूट 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा कैलकुलेट किया था। लेकिन अगर हम अब गॉस लॉ यूज करें तो गॉस लॉ के लिए क्या करना होगा भाई, इससे पास करता हुआ एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होगा। चलो भाई ड्रॉ कर दिए, अब जब गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए तो लिखेंगे ई डॉट डी एस इक्वल क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू कितना भाई, टोटल चार्ज इसके अंदर, तो माइनस क्यू प्लस क्यू, ये ई डी एस इक्वल टोटल चार्ज 0, क्योंकि माइनस क्यू प्लस क्यू 0 बटा एप्सिलॉन नॉट। अगर आप देखेंगे तो E इंटू डी एस का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, 0, इसका मतलब E कितना आ गया 0। तो कूलम्स लॉ से किया तो E का वैल्यू मिल रहा है और गॉस लॉ से किया तो E का वैल्यू कितना आ रहा है 0। ये गलत है, ये सही नहीं है, क्यों भाई, तो ये हर जगह जो गॉस लॉ है एप्लीकेबल नहीं है, इसीलिए इसमें दिक्कत है और कोई बात नहीं है। तो हम लोग गॉस लॉ को हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते, सर्टेन सिचुएशंस में ही हम लोग अप्लाई करते हैं। हम लोग आगे फिर कैलकुलेट करते हैं, फर्दर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन ही करते हैं, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड